हेलो एवरीवन हाउ आर यू ऑल आई होप यू ऑल आर फिट एंड फाइन सो लेट्स स्टार्ट टूडेज वीडियो टुडे आई एम गोइंग टू कवर बुक एक्सरसाइजेस ऑफ चैप्टर फर्स्ट दैट इज क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट ऑफ क्लास एट फ्रॉम एन साइंस लेट्स बिगिन आज के इस वीडियो में हम चैप्टर फर्स्ट जो है क्लास एट साइंस का उसकी बुक एक्सरसाइजेस दी गई है उनके आंसर्स को डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियोस में हमने पूरे चैप्टर को अच्छे से डिस्कस किया था जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं यू कैन चेक दैट लिंक्स टू अंडरस्टैंड द होल चैप्टर प्रॉपरली इन डिटेल नाउ लेट्स बिगिन द एक्साइजेस फर्स्ट एक्सरसाइज एट पेज नंबर थर्टी सेलेक्ट द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग लिस्ट एंड द ब्लैंक्स हमें यहाँ कुछ वर्ड्स दिए गए हैं और इनके हेल्प से हमें ब्लैंक्स को फिल करना है फर्स्ट पार्ट द सेम काइंड ऑफ प्लांट्स ग्रोन एंड कल्टिवेटेड ऑन अ लार्ज स्केल एट अ प्लेस इज कॉल्ड जब हम बहुत सारे प्लांट्स को एक जगह पे एक साथ उगाते हैं तो उनको क्या कहा जाता है तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या आ जाएगा क्रॉप्स क्योंकि जब हम जो बहुत सारी बहुत सारा प्रोडक्शन करते हैं एक ही प्लांट का एक जगह पे उसको क्या कहा जाता है क्रॉप कहते हैं नेक्स्ट पार्ट बी द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग क्रॉप इज ऑफ द सॉइल किसी भी क्रॉप को ग्रो करने से पहले सबसे पहला स्टेप क्या होता है फ्लोट वाटर क्रॉप न्यूट्रिशन और प्रिपरेशन तो यहां पे क्या आएगा हमारा प्रिपरेशन जब भी हम कोई भी क्रॉप ग्रो करते हैं तो हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होता है प्रिपरेशन ऑफ सोइल नेक्स्ट पार्ट सी डैमेज सीड्स वुड डैश ऑन टॉप ऑफ द वॉटर क्या होता है डामेस्टी जो खराब सीड होते हैं वो क्या करते हैं पानी के ऊपर फ्लोट करने लगते हैं तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आंसर हमारा फ्लोट नेक्स्ट पार्ट फॉर ग्रोइंग क्रॉप सफिशियंट सनलाइट एंड डैश एंड डैश फ्रॉम द सोइल आर एसेंशियल हमें क्या क्या चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए क्रॉप की ग्रोथ के लिए क्या क्या चाहिए हमें sufficient चाहिए चाहिए पे पे दे दिया है और यहां पे क्या आएगा हमारा Water, पानी न्यूट्रिएंट्स जो हमारे सॉइल में न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं वो चाहिए तो यहाँ पे हमारे ब्लैंक में क्या क्या आया वाटर और न्यूट्रिएंट्स नेक्स्ट पार्ट सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन मैच द मैच आइटम्स इन कॉलम ए विथ डोज इन कॉलम बी कॉलम ए में जो टर्म्स दिए हैं उनको कॉलम बी जिससे भी वो मैच हो रही है उनसे मैच करना है फर्स्ट खरीफ क्रॉप अब खरीफ क्रॉप के रिगार्डिंग यहाँ पे क्या दिया है हमारा ए बी सी डी ई e, और एफ तो यहाँ पे खरीफ क्रॉप के क्रॉप के रिगार्डिंग हमें क्या एग्जाम्पल दिए हैं पैडी एंड मेज तो खरीफ क्रॉप किससे मैच होगा हमारा पैडी और मेस से नेक्स्ट पार्ट रबी क्रॉप्स रबी क्रॉप में क्या दिया के रिगार्डिंग क्या दिया है हमारा वीट ग्राम एंड पी जो रबी क्रॉप होती है उसके एग्जाम्पल क्या दिए हैं हमें यहाँ पे वीट ग्राम और पी तो सेकेंड पार्ट हमारा किससे मैच होगा डी से नेक्स्ट थर्ड मिकल फर्टिलाइजर्स अब इसमें से केमिकल फर्टिलाइजर्स कौन से है यूरिया एंड सुपर फॉस्फेट तो ये थर्ड पार्ट किससे हमारा बी से नेक्स्ट फोर्थ ऑर्गेनिक मनोर क्या होती है नहीं फूड फ्रॉम केटल नहीं होता तो क्या आएगा एनिमल एक्सट्रेक्ट काउडंग यूर एंड प्लांट वेस्ट तो फोर्थ पार्ट किससे मैच होगा सी पार्ट से ये ए जो पार्ट है इसमें एक एक्स्ट्रा पार्ट दिया हुआ है ए ये किसी से भी मैच नहीं हो रहा है नेक्स्ट गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ ईच हमें यहाँ खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप के दो दो दे एग्जाम्पल देने हैं तो खरीफ क्रॉप में हम क्या लिख सकते हैं पैडी लिख सकते हैं ग्राउंड नट लिख सकते हैं मेज लिख सकते हैं देन रबी क्रॉप में हम क्या लिख सकते हैं बीट लिख सकते हैं ग्राम पीस एक्से हमने यहाँ थ्री थ्री एग्जाम्पल्स दोनों के दे दिए हैं और भी हम एग्जाम्पल्स लिख सकते हैं लेकिन यहाँ पे हमसे टू ही पूछा गया है तो हम ये इनमें से कोई भी दो लिख लेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टेन अरेंज द फॉलोइंग बॉक्सेस इन प्रॉपर ऑर्डर टू मेक अ फ्लो चार्ट ऑफ सुगर केन क्रॉप प्रोडक्शन हमें ये जो बॉक्स में स्टेप्स दिए गए हैं उनको सुगर केन को प्रो, न, के प्रोडक्शन के लिए गन्ने के प्रोडक्शन के लिए हमें उसके स्टेप्स किस तरीके से फॉलो कर रहे हैं उसमें अरेंज करना है फर्स्ट फर्स्ट स्टेप क्या दिया है सेंडिंग क्रॉप टू सुगर फैक्ट्री ये तो लास्ट स्टेप होता है नेक्स्ट इरीगेशन नेक्स्ट हार्वेस्टिंग सोइंग मन्यूरिंग फ्लाविंग ऑफ फील्ड एंड प्रिपरेशन ऑफ सॉइल तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट स्टेप क्या होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं प्रिपरेशन ऑफ सोइल तो हमारा फर्स्ट स्टेप यहाँ पे क्या हो जाएगा प्रिपरेशन ऑफ सोइल देन प्रिपरेशन के बाद हम क्या करते हैं मिट्टी तैयार हो गई उसके बाद हम उसको आ, मिट्टी तैयार करने का ही एक प्रोसेस होता है उसी में हम प्लाविंग करते हैं हल चलाते हैं उसको जोतते हैं मिट्टी को फिर जोतने के बाद क्या करते हैं हम उसमें बीज बोते हैं सोइंग थर्ड स्टेप क्या है हमारा सोइंग बीज बोने के बाद हम क्या करते हैं मैन्योरिंग उसमें फर्टिलाइजर्स और खाद को ऐड करते हैं तो फोर्थ स्टेप हमारा यह हो गया उसको मैन्योरिंग करने के बाद हम इरिगेशन करते हैं उसमें सिंचाई करते हैं तो फिफ्थ स्टेप हमारा हो गया इरिगेशन फिर नेक्स्ट हार्वेस्टिंग इरिगेशन के बाद जब हमारी क्रॉप पूरी अच्छे से डेवलप हो जाती है फिर हम उसको हार्वेस्ट करते हैं तो सिक्स स्टेप हमारा हार्वेस्टिंग हो गया और सेवन्थ स्टेप लास्ट में क्या कटने के बाद हम उसको फैक्ट्री में भेजते हैं तो सेवन्थ स्टेप हमारा स्टैंडिंग क्रॉप टू शुगर फैक्ट्री हो गया नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर इलेवन कंप्लीट द फॉलोइंग वर्ड पजल विद द हेल्प ऑफ क्लूज गिवन बिलो हमें यहाँ कुछ क्लूज दिए गए हैं और इस पज़ल को सॉल्व करना है तो डाउन मीन्स ऊपर से नीचे जो जा रही वर्टिकल ब्लॉक्स जो हैं उनके लिए ये क्लूज दिए हैं अक्रॉस मीन्स ये जो हॉरीजोटल ब्लॉक्स दिए हैं उनके लिए क्लूज दिए हैं तो फर्स्ट देखते हैं डाउन में क्या दिया है प्रोवाइडिंग वाटर टू द क्रॉप्स तो फर्स्ट यहाँ पे क्या आएगा जो हम क्रॉप्स uh, को पानी देते हैं उसको हम है? तो क्या कहते हैं इरीगेशन तो यहाँ क्या आएगा आई दिया हुआ है इरीगेशन ये क्या आ गया इरीगेशन फिर सेकेंड वाला कीपिंग क्रॉप ग्रेन फॉर अ लॉन्ग टाइम अंडर प्रॉपर कंडीशन जब हमारी अनाज पूरे अच्छे तरीके से हो जाता है हम काट लेते हैं तो उसको किसी एक जगह पे अच्छी कंडीशन में रखने को क्या कहते हैं सेकेंड नंबर यह तो क्या कहते हैं इसको स्टोरेज यहाँ क्या आ गया स्टोरेज फिर थर्ड सर्टेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड ग्रोन ऑन अ लार्ज स्केल जब हम बहुत सारे प्लांट को एक साथ लार्ज स्केल पे उगाते हैं तो उसको क्या कहते हैं हम क्रॉप कहते हैं तो यहाँ क्या आ गया हमारा क्रॉप नेक्स्ट अब क्रॉस में क्या है क्लूज दिए गए हैं फर्स्ट अ मशीन यूज फॉर कटिंग द मेच्योर्ड क्रॉप उस मशीन का नाम बताना है जो कि क्रॉप जब मेच्योर हो जाती है तो उसको काटने के लिए यूज किया जाता है तो यहां पे क्या आएगा हार्वेस्टर नेक्स्ट क्लू अ रबी क्रॉप दैट इज आल्सो वन ऑफ द पल्स एक ऐसी रबी क्रॉप जो कि एक पल्स भी है दाल भी है तो वो क्या है ग्राम चना है जी यहाँ दिया हुआ है एक हिंट हमें यहाँ फर्स्ट लेटर का हिंट भी दिया गया है तो यहाँ जी दिया है तो यहाँ पे क्या होगा ग्राम जो चना होता है वो हम दाल की तरह भी यूज करते हैं नेक्स्ट लास्ट अ प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग द ग्रेन फ्रॉम शाफ यहाँ पे हमें बताना है उस प्रोसेस का नाम जिससे हम अनाज और जो भूसा होता है उसको अलग करते हैं तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट वर्ड क्या दिया है डब्लू तो जो छोटे स्केल पे यूज होते हैं यहाँ पे उस प्रोसेस का नाम पूछ रहे हैं तो उसका क्या नाम होता है विनोइंग यहाँ पे हम थ्रेशिंग भी लिख सकते थे लेकिन यहाँ पे जो बॉक्सेस दिए हैं उसमें फर्स्ट वर्ड हमारा डब्लू दिया है इसलिए हमसे छोटे स्केल पे जो किसान होते हैं जो मशीन का यूज नहीं करते हैं वो वाले प्रोसेस का नाम पूछा जा रहा है तो हम यहाँ पे विनोइंग ही लिखेंगे now thank you everyone this is all about the book exercises of this chapter in next video we will discuss the question answer of this chapter and if this video is useful for you then please like subscribe and share my video